तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैरियत से हैं आप लोग? तो आपने सही देखा थंबनेल में, मेरे साथ थोड़ा सा छोटा सा एक हादसा हो गया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, पैर में और दोनों हाथों में और पीछे बैक में और यहाँ भी पीछे बैक में भी गुम चोट है, पीछे और कमर में बैक में गुम चोट है। बट हाथों में हड्डी टूटते टूटते बच गई, यहाँ भी पट्टी बंधी हुई है। तो पट्टी क्यों बंधी है, कैसे बंधी है, सारी चीज़ बताऊंगा अपनी वीडियो में। छोटा सा हादसा हो गया था मेरे साथ अभी 4 से 5 दिन पहले। तो दोस्तों क्या हुआ, कैसे चोट लगी, सारी चीज़ मैं आपको साथ में एक्सप्लेन करूंगा। एक्चुअली गाइस, बारिश हुई थी तो बारिश में सब बच्चे नहा रहे थे, तो मैं भी नहा रहा था। और उसके बाद दोस्तों सीढ़ी पर मैं गया, नीचे उतर रहा था। तो जहाँ पर मैं उतर रहा था, हुआ क्या गाइस, एक्चुअली पानी था बहुत सारा, और वहाँ पानी था तो मैं जब उतरा स्लीपर थी, पहली ही सीढ़ी से मेरा पैर स्लिप ऐसा हुआ और मैं सीधा 2 से 3 सेकंड में सीधा नीचे। आधी सीढ़ी तक तो मैं गया सीधा, उसके बाद फिर मैं लुढ़कता लुढ़कता गया गाइस। और कैसे कहाँ गिरा हूँ अभी आपको दिखाऊंगा मैं, कि कितने बड़े जीने से मैं गिरा हूँ। तकरीबन 12 फुट की ऊँचाई से मैं गिरा हूँ और सीढ़ियों पर कला खाता हुआ गिरा हूँ। तो चलो दोस्तों अभी दिखाता हूँ मैं कहाँ पर कैसे गिरा था। देखो यहाँ से मैं गया था, ये रहा गाइस, ये जो देख रहे हैं ना आप, पहली सीढ़ी आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने ऐसे पैर रखा था और यहीं से यहाँ पानी था और यहाँ से गाइस सीधा में गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सीढ़ियाँ गाइस यहाँ से सीधा में गया भाई, बड़ी स्पीड से लुढ़कता लुढ़कता। और ये देखिए यहाँ भाई डस्टबिन सीधा यहाँ दीवार पर आकर लगा मैं। और भाई ये देखिए, वो तो अच्छा है कि यहाँ से सपोर्ट नहीं कुछ भी, तो यहाँ से मैं नीचे यहाँ नहीं गिरा। और भाई सीधा वहाँ से ऊपर से आता हुआ आता और यहाँ कूड़े की बाल्टी थी, यहाँ पे आके भाई मैं लगाऊँ सामने, यहाँ पहले वहाँ से आया भाई, सीधा वहाँ से आने के बाद यहाँ पे ये किनारे हैं ना, ये सब मेरे बॉडी में लगी है, इन सब मेरा ये सब हाथ वगैरह सब इन किनारे से फटे हैं, ब्लड हो गया था भाई बहुत सारा, और गुम चोट लगी है इससे और भाई यहाँ से और इससे जो नीचे इनसे लगी कंप्यूटर उनसे मेरे फटा है सर वाल, तो बच गया अल्लाह का शुक्र से। लेकिन मेरे पैर में और ये हैंड, पूरे दोनों हैंड देख रहे हैं आप, ये पूरे फट गए हैं साइड। अब तो गाइस काफ़ी ठीक हो चुका है, ऑलमोस्ट आज शाम को पट्टी खोल दूंगा मैं। और ये लेकिन गाइस दर्द अभी भी है भाई, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ से भाई आया था मैं, यहाँ नहीं गिरा। अगर इधर कहीं गिरता दोस्तों और यहाँ गिरता तो भाई साहब ये देखो कितना खतरनाक था, ये देखो भाई मेरे सबसे खतरनाक भाई साहब ये वाला था, यहाँ गिरता तो भाई साहब पूरा सर बहुत ज़बरदस्त तरीके से फट जाता है यार दोस्तों, बहुत ज़्यादा। अल्लाह का शुक्र था, एहसान था, बच गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 3 से 4 5 दिन हो चुके हैं ऑलमोस्ट, चोट ठीक हो गई है, दवाई खाई थी, 2 दिन तो होश ही नहीं था गाइस मुझे, बहुत पूरा हाथ मेरा इतना मोटा हो रहा था सोच के, और मुझे होश नहीं बिल्कुल भी। दवाई खाई, इंजेक्शन लगा, उसके बाद 2 दिन तक मैं सोता रहा नशे में। फिर 2 दिन बाद दर्द बंद हुआ, हल्दी का दूध वगैरह पिए, बहुत दवाई खाई, 2 दिन बाद मुझे गाइस होश आया था अच्छे तरीके से, फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ था। तो दोस्तों ये रही जो चोट लगी थी मेरी, छोटा सा ब्लॉग है अपनी जो मैंने शेयर किया। फिर मुझे याद आया मैंने क्या, मुझे ब्लॉग पे बताना चाहिए, मैं ब्लॉग बनाता हूँ। एक्चुअली क्या है गाइस, मैं ब्लॉग जब बनाता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ अपडेट करना, कि मुझे अपडेट भी करना है आप लोगों को, मुझे वीडियो बनानी है, ब्लॉग मैं एक्चुअली बनाना भूल जाता हूँ, इसलिए मैं ब्लॉग बना नहीं पाता हूँ इस चक्कर में। तो ये सब गाइस चक्कर है, अब मैं फिर बता भी नहीं पाता हूँ आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।